डियर स्टूडेंट्स असलकुम हमारा आज का टॉपिक है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव भी इसको पढ़ा जाता है इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव वट इज़ मेन्ड बाई पोलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाट आर द फ्क्शन ऑफ The executive. Dear students, legislature, executive, and judiciary are the three organs of government. Together, they perform the functions of the government, maintain law and order and look after the welfare of the people the constitution ensures that they work in coordination with each other and maintain a balance among themselves in a parliamentary system executive and the legislature are interdependent the legislature controls the executive and in turn is controlled by the executive. In this chapter, we shall discuss the composition, structure, and function of the executive organ of the government. This chapter will also tell you about the changes that have occurred in recent times due to political practice. After reading this chapter, you will be able to Make a distinction between the parliamentary and the presidential executive. Understand the constitutional position of the President of India. Know the composition and functioning of the Council of Ministers and importance of the Prime Minister. And understand the importance and functioning of the administrative machinery. What is an executive? देयर स्टूडेंट्स आपकी स्कूल इंतज़ामिया का निगरान कौन है हु इज द हो इज इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूर स्कूल हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजनज इन स्कूल और अूनिवर्सिटी किसी भी किसी भी तनजीम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक अहदेदार को फ़ैसले लेने होते ही और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है इस एक्टिविटी को हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे आला मुकाम पर एक जमात का होना ज़रूरी है जो पॉलिसी से मुतलिक फ़ैसला करेगी या अहम फैसला करेगी और रोज़मर के कामों की निगरानी करेगी वो बाही तालमेल भी कायम करेगी हर बाबा ग्रुप या जमात ऐसे अश्कास पर मुश्तमिल होता है जो ख़ास मुंतज़मीन की जिम्मेदारी निभाते हैं या उस तंजीम की एग्जीक्यूट का एग्जीक्यूटिव का काम अंजाम देते हैं बैज ऑफिशल्स पॉलिसी असूलो तरीके तय करते हैं और दूसरे ऑफिशल उस पर रोजमर्रा के कामों की शक्ल में उन पर अमल करते हैं requires a body at the top that will that विल टेक पॉलिसी decisions or the big decisions and supervise and coordinate the routine administrative functions. You may have heard about the executives of big companies, banks, or industrial units. Every formal group has a body of those who function as the chief administrator or the executives of, of that organization. Some office, ho office holders decide the policies. एंड रूल्स एंड रेगूलेशन समस होल्डर्स इम्प्लीमेंट दो डिसजन इन एक्चुअल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गनाइजेशन यानी बैज ऑफिशल पॉलिसी असूलोल तरी व तरीके तय करते हैं और दूसरे ऑफिशल उस पर रोज़मर के कामों की शक्ल में उन पर अमल करते हैं दर्ड एग्जीक्यूटि मीनस ए बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगूलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस एग्जीक्यूटि लफ़्ज़ के मानी हैं अफराद की एक जमात जो असूलों और तरीकों को हक़ीकी शक्ल में नाफ़ नाफिज़ करने की निगरानी करती है वर्ड एग्जीक्यूटिव main is a body of person that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice. in the case of government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations, while, while the other one would be in charge of implementing those rules. जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वहाँ भी एक जमात पॉलिसी के फैसले लेती है असूलों और तरीकों रूल्स एंड रेगुलेशंस को तय करती है जबकि दूसरी जमात उनके निफाज की निगरानी करती है निगरानी करती है दर्गेन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव हुकूमत का वो आर्गन जो इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी करता है एग्जिक्यूटिव का कहलाता है वट आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रेस्पांसिबल फॉर द Implementation of laws and policies adopted by the legislature. The executive is one of the important branches of the government without which a government cannot function. It implements all the laws or policies framed by the parliament or the legislative assemblies. It also implements various programs. और सिकीम्स बाय बाई गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर आईएएस, आईपीएस, आईएफ, आईएफएस एस यानी यानी आई एग्जीक्यूटिव हुकूमत की वो शाख है जो मजलिस क़ानून साज के ज़रिया बनाए जरिया बनाए गए कवानी और अमलियों को नाफिज करने की जिम्मेदार होती है एग्जीक्यूटि इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ एडोप्ट बाई द लेजस्लेचर फिर मैं दोहराऊँगा एग्जीक्यूटिव हुकूमत की वो शाख है ऑर्गन है ब्रांच है जो मजलसी कानून साज लेजस्चर के जरिए बनाए गए कवानी और पॉलिसियों को नाफिज करने की जिम्मेदार होती होती है द एग्ज़ीक्यूटिव इज़ ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी द ऑफिशल डिजिगनेशनज ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्राम कंट्री टू कंट्री सम कंट्रीज़ हैव चांसलर्स एग्जीक्यूटिव केहदे और रुतबे एग्जीक्यूटि अक्सर एग्जीक्यूटि एग्जीक्यूटिव भी हमत अमली यानी पॉलिसीज़ तैयार करने के काम में शामिल होती होती है एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इट इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी पॉलिसी एग्जीक्यूटिव के अहदे और रुतबे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुख्तलिफ होते हैं द एग द ऑफिशियल डिजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्राम कंट्री टू कंट्री सम कंट्रीज हैव प्रेजिडेंट वायल अदर्स हैव चांसलर्स बैज कंट्रीज में सदर होते हैं जबकि दूसरे ममालिक में चांसलर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव वजीर वजीरम या वज़रा की जमात नहीं है इसका दायरा इंतजामी मिशनरी, सिविल सर्वेंट्स तक फैला हुआ Hey. It also extends to the administrative machinery, civil servants. While the heads of the government and their ministries, saddled with the overall responsibility of government policy, are together known as the political executive. Political executive. Political exec executives are those executives which are representatives of the people and are elected by the people through an electoral process. They are elected for a certain period, that is, five years. Sarbarahani hukumat or unke wazir. मजमू तौर परमत अमली की जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं उनको बैसियत मजमोई पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता कहा जाता है दफ गवर्मेंट एंड दियर मिनिस्टर सैडल्ड विद द ओवरऑल रेस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑर टूगेदर नोन एज द पोलिटिकल एग्जीक्यूटि permanent executive the executive which holds office on the basis of its education or qualification is called a per is called the permanent executive they remain in office even if a ruling government changes these officers work under political exec, executive and help them in carrying out the day to day operations in administration यानी वो वोदेदार जो डे टू डे या जो रोज़मर के इंतज़ाम के लिए जिम्मेदार होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मैं एक बार फिर दोहराऊंगा द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दियर मिनिस्टर सैडल्ड विथ सैडल्ड विद द ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और टुगर नोन एज द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिहान हुत सरबरा हुकूमत और उनके वजीर मजमूई तौर पर पॉलिसी की जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं उनको बैसीत मजमूई पॉलिटिकल एग्ज़िक्यूटि कहा जाता है दो इज़ फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो वोदेदार जो रोज़मर के इंतज़ाम के ज़िम्मेदार होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं यह था हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव थैंक यू